हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग जहां भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, और हाँ, मुझे यूं ही प्यार करते रहो। और आज की जो वीडियो है वो है रिगार्डिंग आपकी लाइफ में नेम फेम यानी प्रसिद्धि आपको कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, और आप क्या करें जिससे आपको नेम फेम या प्रसिद्धि या पैसा, जो पैसा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो आपकी लाइफ में बढ़े। आप ऐसा क्या काम करो? तो यहाँ पे तीन कार्ड्स हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड। ठीक है, ये तीनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है, मतलब आप दिमाग में क्वेश्चन रखना कि मेरी लाइफ में कितना नेम फेम लिखा है, और उसके बाद ये कार्ड चूज करना, अपना इंट्यूशन यूज करना, एंड स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर वन, जिन्होंने भी ये ओल्ड वुमेन चूज की है, तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, मतलब लाइक आपकी लाइफ में ना इतने ज्यादा आपको सेटबैक्स भी मिले हैं, और इतने ज्यादा आपको ना मतलब आपने बहुत ज्यादा चीजें अनुभव करी है। तो भले ही आपकी एज कम हो, चाहे ज्यादा हो, चाहे आप ओल्ड हो, बट आपने आपकी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस करा, बहुत सारे लोग देखे, हर तरह के लोग, ठीक है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। बट एक चीज ये है कि आप लोगों ने ना अपनी ओरिजिनलिटी, मतलब लाइक आप जो हो, ठीक है, आप जो ओरिजिनल आपका जो नेचर है, प्योर लविंग केयरिंग, वो नेचर जो है ना आप लोगों ने नहीं छोड़ा। ठीक है, आपकी हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज अभी कुछ चल रहे हो, बट आप फिर भी ना केयर करते हो, आप फिर भी अपना काम करते हो, और आपके चेहरे पे ना एक मुस्कुराहट है, पता है, एक ऐसी मुस्कुराहट जो जो एक संतुष्टि से आती है, जो है ना, जो बहुत ही कहते हैं ना, आंखें उदास सी है, आंखें थोड़ी उदास है बट चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो वो चीज है। आप लोगों ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस जो है ना वो सब देख लिए, एक्सेप्ट कर लिया अपने आपको, मतलब लाइक आपकी लाइफ जैसी भी थी, जैसी भी है, यू हैव एक्सेप्ट, और आपके चेहरे पे ना एक स्माइल है, और अगर नहीं तो आपके चेहरे की स्माइल बहुत अच्छी है, ये चीज है। बट हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हो, ठीक है, और इवन ना जब आप मुस्कुराते हो ना तब आपकी आंखें भी मुस्कुराती है, यस, आपकी आंखें भी मुस्कुराती है, और आप बहुत ही ना स्वीट से, और बहुत ही शाय तो मैं नहीं कह सकती, बट यस, आपको ना शायद अपनी अपना खुद का जो ओरिजिनल स्पेस होता है ना, जो आपका खुद का ओरिजिनल स्पेस होता है, जैसे ना जहां पे आप आराम से चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, और जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मतलब आप आराम से बैठे हो, और ना बिल्कुल जो जो बिल्कुल ना एक अच्छे से मूड में आप बैठे हो, और ना अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, वो स्पेस आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, और अगर अब मैं बात करूं, मेन टॉपिक पे बात करती हूँ कि डियर, आप लोगों की लाइफ में कितना नेम फेम लिखा है, ठीक है, तो आप लोगों की लाइफ में एक्चुअली मतलब आप लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग अपनी लाइफ पे टॉप पे जा सकते हो, भले आपकी एज हो गई या आप यंग हो, आपकी चाहे कोई सी भी एज है, बट आपके अंदर वो टैलेंट है, ठीक है, वो टैलेंट है कि आप अपनी लाइफ में टॉप पे जा सकते हो, मतलब शिखर पे जा सकते हो, मतलब बिल्कुल ना, हालांकि आप भले अगर आपकी ओल्ड एज हो, या आप हाउसवाइफ हो, आप नॉन वर्किंग हो, बट आपके अंदर वो चीज है, मतलब कहते हैं ना जुनून, जुनून कुछ करने का यार, अपनी पहचान बनाने का, अपने दम पे अपनी पहचान बनाने का, मतलब लाइक आप लोग उन लोगों को भी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हो जो लोग ना अपने दम पे कुछ खुद कुछ करते हैं, ठीक है, और आपके अंदर क्रिएटिविटी भरपूर है, भरपूर। मे बी आपने शायद अपनी क्रिएटिविटी यूज करी है या नहीं करी, बट क्रिएटिविटी तो है, ठीक है, और उसके दम पे, वो चीज पे, मतलब आप लोग ऐसे लोग हो जिन्हें ना भले ही आप जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या आपकी जो भी पोजीशन हो, आपको है ना जो स्ट्रिक्टली जो जॉब होती है ना, जो 9 to 5 रेगुलर प्राइवेट जॉब जो होती है, या ऐसी जॉब्स, ये आपको ना वैसा वैसा बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि आपके अंदर ना एक्चुअली कुछ चीजें हैं जो निकलने को रेडी हैं, बट वो ये डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी का लेवल कैसा है, कि आप अपने अंदर के क्रिएटिव एक्सप्रेशन को कितना समझ सकते हो, तो बट अगर आपने अपने अंदर की क्रिएटिव एनर्जी को चैनल करना सीख लिया ना, तो आप लोग ऐसे लोग हो जो
टॉप पे जा सकते हो, ठीक है? जो भी काम आप चुनोगे ना उसमें टॉप पे जा सकते हो, टॉप पे जा सकते हो, सॉरी। एंड अगर बात करूं ना पैसा, आपके पास पैसा कितना आएगा या नेम फेम आपका कितना होगा, तो देखिए आपकी लाइफ में आपको नेम फेम मुझे ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है इन कंपैरिजन टू मनी। मतलब मनी यानी पैसा आपके पास इतना होगा कि आप संतुष्ट होंगे। मतलब क्योंकि आपको ना वैसे भी बहुत ज्यादा हाई फाई ना ये सब चीजों से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। आपकी लाइफ में जितना भी पैसा होगा उससे आप संतुष्ट होगे। और वो जो पैसा है ना, लिटरली आप लोगों की लाइफ में ये जो पैसा है ये व्हाइट मनी है। मतलब मुझे आप लोग इतने ज्यादा प्योर सोल लग रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी पैसा कमाया भी है या आपने या आगे कमाओगे भी, तो वो पैसा भी आपका व्हाइट मनी है। मतलब व्हाइट मनी है बाय ग्रेस, बाय ब्लेसिंग। आप जो भी काम करोगे वो सारा चीज है, ठीक है? कोई भी पैसा आपका ब्लैक मनी तो है ही नहीं, और इवन ना कोई नेगेटिव एनर्जी वाला पैसा भी नहीं है। तो जो भी पैसा आपके पास है वो पॉजिटिव एनर्जी वाला है, लोगों की दुआओं वाला, तो मैं कैसे बोलूं, बट यस वो अच्छी वाला, अच्छे लोगों, अच्छा वाइब्रेशन वाला है। लोगों की दुआओं से ज्यादा शायद आपको पास ईश्वरीय दुआएं जो है वो ज्यादा है, और उसकी वजह से आपके पास पैसा है, ठीक है? हाँ, और अगर बात करूं कि आपकी लाइफ में नेम फेम जो है वो कब आएगा, पैसा जो है वो कब आएगा, तो डियर देखो, अगर आप ओल्ड एज हो, ठीक है, अगर आप सबसे पहले ओल्ड एज की बात करती हो, अगर ओल्ड एज हो तो आप एक्चुअली अपनी लाइफ में जब यंग थे, यंग कैसे 40 to 45 वाली जो एज होती है ना, मतलब आपकी लाइफ जैसी भी है जो भी है, जो 40 मतलब 35 से लेके 45 वाली जो एज होती है ना, मुझे उसमें आपके पास बहुत अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी ये एज है, ठीक है, अगर ये आपकी एज है 35 to 45, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, और आप क्या होगे कि यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो अगर आप अपनी कोई स्किल्स पे वर्क करो, कोई ट्रेनिंग लो, कोई कोर्स सीखो, कोई भी चीज, इवन ड्रेसेस, फैशन डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी, और कोई भी नेचर से रिलेटेड एनीथिंग, ठीक है, उन सारी चीजों से आपके पास पैसा आ सकता है। और अगर बात करूं ना, अगर बात करूं कि आपकी लाइफ में जो पैसा है वो कैसा आएगा, मैंने पहले भी बोला कि आपकी लाइफ में जो पैसा है ना वो मुझे नॉर्मल जो कहते हैं ना, बिल्कुल रेगुलर जो जॉब कहते हैं, आईटी, प्राइवेट, जो भी ऐसी जॉब होते हैं, उस भले ही आप उसमें हो, बट उसमें हो या नहीं हो, बट फिर भी ना उससे मुझे पैसा बहुत कम आता दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो पैसा आएगा ना वो स्ट्रगल से आएगा, थोड़ा सा स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल से आएगा। या अगर आप ओल्ड एज हो तो आपके लाइफ में पैसा स्ट्रगल से आया है, ठीक है? और इवन ना मतलब अगर आप मतलब ऐसे कि जैसे यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, आपको अपने लिए ना लड़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास ना, मतलब ऐसे होता है ना कि लोग डाउन करने वाले होते हैं कि यार ठीक है, रहने दे, मत मत कर काम, कुछ भी मत कर। मतलब वो बाहर से आपके सामने स्वीट बनते हैं, बट इंटरनली वो खुश होते हैं कि चलो ठीक है यार, ये थोड़ा कम काम कर रहा है यूं। बट जिस दिन आपके अंदर वो फायर एनर्जी जब जग जाएगी, और स्पेशली ना जब आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करोगे, आपकी अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि यार मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज चाहिए चाहिए गोल के लिए, आपके लिए, आपकी खुद के सोल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और अगर एक और बात बोलूं, पता है क्या, आपकी लाइफ में मुझे पैसा पता है कहाँ से आता दिख रहा है? देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा या होने वाला होगा, बट ये इवेंट आपकी लाइफ में होना तय है, क्योंकि ये आपकी सोल लेसन के लिए बहुत जरूरी है। इवेंट ये है कि हो सकता है कि आपको आपकी जॉब से ना मतलब बहुत ज्यादा खुशी ना मिले, ठीक है, आपको आपकी नॉर्मल जॉब से या ऐसी जॉबों से बहुत ज्यादा खुशी ना मिले, या आप खुद ही जॉब छोड़ दो बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, मतलब आप समझ रहे हो ना आजकल की लाइफ में कैसा होता है। बट जैसे ही आप उन सब चीजों से हटोगे, जैसे ही आप वो बिजी शेड्यूल जो होता है, बिल्कुल 9 to 5 मीटिंग्स जहां पे टाइम नहीं होता, स्ट्रेस होता है, उन सारी चीजों से जैसे ही आप हटोगे, और उसके बाद जब आप एक्चुअली आप अपनी लाइफ में मतलब नेचर से कनेक्ट होंगे, जब आप कुछ मतलब लाइक कहते ना, पहले आप हील होंगे, जो भी दर्द मिल रहे हैं उससे पहले हटोगे, फिर हील होंगे,
और हील होने के बाद आप लोग अपना कुछ काम स्टार्ट करोगे। मतलब स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद क्रिएटिव पीपल हो, ठीक है। अगर देखो आपकी ओल्ड एज है तो मैं अभी नहीं कहूंगी, बट फिर भी अगर आपकी यंग एज है तो होता ना, कितनी बार यार जॉब में बहुत परेशानी मिल गई, बहुत ज्यादा दुखी हो गए, अब छोड़ दो यार, वो चीज से आप हटके फिर उसके बाद एकदम से झटका तो लगेगा, क्योंकि है ना, जॉब से जॉब छूट जाती है तो एक बार इंसान का जो रोजी और रोटी होती है ना, उस पर थोड़ी सी मार पड़ जाती है, बट वो झटका सहना पड़ेगा। वो टावर मोमेंट कहते हैं ना, ईगो क्लैश, और एकदम से ना कुछ अब क्या करेंगे यार, अब कुछ आगे तो बचा नहीं है, कुछ क्या करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग अपनी लाइफ, अपनी आइडेंटिटी खुद ढूंढोगे, स्पेशली एनीथिंग जो आप पसंद करते हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस काम के बेसिस पे मुझे आपकी लाइफ में अच्छा नेम फेम, अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है। अच्छा एक चीज और, जो लोग मेन लोग हैं उनकी लाइफ में मुझे पैसा जो है वो किसी फीमेल के थ्रू आता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा वन थिंग, और एक और चीज यहाँ पे ये है कि डियर, पता है क्या, आप लोगों की लाइफ में ना, आप लोगों को ना शेकी मोमेंट्स मिलते हैं। आप लोग क्या है ना, बस ठीक है यार, अच्छा लव वाली एनर्जी है, ठीक है, प्यार से रह रहे हैं, ठीक है, जितना भी कमा रहे हैं ठीक है, और लाइफ चल रही है। नो, बट आप लोगों की लाइफ एक्चुअली एक अलग डेस्टिन्ड है, बिकॉज आप लोगों को अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। यू हैव अ स्पेशल पर्पस। आप लोगों के अंदर जो भी क्रिएटिविटी तो बोलूँ या जो भी पावर है, एनीथिंग, ठीक है, यू हैव अ वेरी गुड केपेबिलिटी ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब वो कुछ भी पढ़ाना हो गया, एनीथिंग, ठीक है, टीचिंग, हीलिंग, कोई भी ऐसी चीज है, या आपको फिलोसोफी में बहुत इंटरेस्ट है, या आपको ना ओवरऑल यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, इन सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, तो इन सारी चीजों से भी आपकी लाइफ में मुझे पैसा आता हुआ दिख रहा है। बट वन थिंग, यहाँ पे अभी ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, बिकॉज एक होता है ना आत्मशक्ति, अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कहते हैं ना, वो अभी आपका जो है थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी मतलब लाइक या तो आपकी जॉब में या आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस में, और जो लेडीज हैं मतलब जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, जो कंसीव करना चाहती है, वो कंसीव करने में दिक्कत कर रही है। मतलब लाइक यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो अभी, आपकी ओरिजिनल पावर, आपके खुद की आत्मशक्ति जो कहते हैं ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी प्राण शक्ति, आपकी हेल्थ, वो सारी चीजें जो है वो मुझे यहाँ पे सफर करती हुई दिख रही है। बट वन थिंग डियर, इन सारी चीजों से आप निकल जाओगे, मतलब लाइक जो फ्यूचर है ना, आने वाला फ्यूचर, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है, स्पेशली हेल्प, सपोर्ट, लव, और कोई भी ऑफर, कोई भी जॉब ऑफर, या कोई भी करियर वाइज आप कुछ चेंज करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो बड़ा, वो सारी चीजें। और ओवरऑल अगर बात करूँ ना, आप अपने करियर में मुझे आगे हील होते हुए दिख रहे हो, आपका करियर ही आपको हील करेगा, ठीक है, आप जो काम करोगे ना वो ही चीज आपको हील करेगी। वो करूँ ना आप लोगों की, पता है क्या, आप लोग एक्चुअली हमें लगता है कि यार है ना एंजल्स हैं, हम एंजल से कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर ना हम भगवान जी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोग एक्चुअली कौन हो, ठीक है। यू आर अ स्पेशल सोल, ठीक है, स्पेशल सोल मतलब लाइक आपको क्या पता आप किस जन्म में एंजल थे, ठीक है, और यू हैव दैट लाइट, आपके अंदर वो अभी भी लाइट है, और आपके अंदर वो लाइट क्या करती है, गाइड करती है ना, रास्ता दिखाती है, तो आपके अंदर एक्चुअली में वो पावर है कि आप लोगों को, लोगों की लाइफ में रास्ता दिखा सकते हो, आगे उन्हें गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अपनी लाइफ में जो भी क्वेश्चन है, जो भी स्ट्रगल्स हैं, वो कहीं बाहर मत ढूंढिए, डू नॉट सर्च आउटसाइड, बट आप जस्ट ना, अगर आप मेडिटेट नहीं करते हो तो मेडिटेट करो, और अपने अंदर ये चीज ढूंढो, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो आपकी खुद के अंदर ही है। ओके, सो गाइस, ये था ग्रीन कलर वालों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर टू, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का पिगी बैंक चूज किया है, तो फर्स्ट थिंग डियर, पता है क्या है, आप लोग एक्चुअली ना, यू आर वेरी, मतलब ऐसे लोग हो
जो धर्म को मानते हो, रिलीजन को मानते हो, अपने ईश्वर में बहुत गहरी आस्था है, आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग ना कुछ पूजा पाठ ऐसे कुछ करते होंगे, आपको छोटे छोटे रिलीजियंस, रिचुअल्स, इन सब चीजों पे भी बहुत ज्यादा विश्वास है। और मतलब लाइक आपके लिए ना जो आपकी लाइफ है वो बहुत ही बेसिक सी है। मतलब लाइक आप अच्छा सा काम करो, ठीक है, आप अपनी जिंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी फैमिली मेंबर्स को खुश रखो, एंड आपका जो काम है वो चलता रहे, बस दैट्स इट। मतलब लाइक बहुत ज्यादा हाई फाई सपने, बड़े बड़े ड्रीम गोल्स ऐसा नहीं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, ठीक है। और यस, और आप लोग ना सेविंग्स में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो, आपको लगता है कि नहीं सेविंग्स होनी चाहिए, हर एक इंसान को सेव करना चाहिए, अपना पैसा बचाना चाहिए, बहुत ज्यादा अननेसेसरी खर्चे जो है ना उनमें आप ज्यादा विश्वास नहीं रखते हो। मतलब लाइक आप फालतू खर्चे नहीं करोगे, आप कहीं जाओगे ना शॉप में तो वही सामान खरीदोगे जो आपको जरूरत है, अपने शौक वाली जो चीजें, खरीदने वाली जो चीजें ना वो बहुत कम करते होंगे, या अगर कर भी देते होंगे ना तो गिल्टी फील होता होगा। आप लोग ऐसे लोग हो, और इवन आप जो पैसा बचाते हो ना वो पैसा भी आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए बचाना चाहते हो, मतलब लाइक आपको आपके लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और तो अगर बात करूं कि आपको आपकी लाइफ में जो नेम फेम है वो कैसे मिलेगा, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग डियर पता है क्या है, आप लोग ना एक्चुअली मिसअंडरस्टूड होते हो, लाइक समाज में ना लोग आपको ऐसे ना थोड़ा सा ना मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? बिकॉज आप लोग ना लाइक हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है ना थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, ठीक है, सच का सच और गलत का गलत, लाइक जो चीज है ना वो क्लियर कट, भले ही आज के जमाने में बहुत कम लोग बोलते हैं, बट फिर भी आप में से कुछ लोग जो ना बिल्कुल सच बात बोलते हो, हालांकि वो सच बात कभी कभी सामने वाले इंसान को ना परेशान कर देती है, या सामने वाले इंसान को थोड़ा सा, क्योंकि सच तो कड़वा ही होता है वो। अच्छा, आप में से कुछ लोगों का शायद कोई YouTube चैनल है, या मतलब लाइक कोई ऐसा काम है ना, एंकरिंग, स्पीकिंग और डेटा एनालिसिस, ठीक है, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना, या कोई भी ऐसी चीज, वो सारी चीजें जो है ना वो सब चीजें भी आपको नेम फेम दिला सकता है। और अगर आपका कोई ऐसा क्रिएटिविटी है आपके अंदर, आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है, और अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल अभी नहीं है और आप सोच रहे हो, तो जस्ट गो फॉर इट, इसमें भी हो सकता है कि आपको नेम फेम मिले। देखो, मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रही हूँ कि अच्छा नेम फेम या बुरा नेम फेम, आप जो भी बोलते हो, वॉट एवर यू स्पीक, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का काम जो है ना बोलने वाला हो, या आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो बोलने वाली हो, ठीक है, अच्छा बोलने वाला, अच्छे एंकरिंग, ठीक है, अच्छा बोलना, इवन म्यूजिक, सिंगिंग, ठीक है, और एनीथिंग, मतलब लाइक सारी थर्ड हाउस एक्टिविटीज। थर्ड हाउस एक्टिविटीज पता है क्या होती है? कोई भी चीज क्रिएट करना, बोलना, गाना, इवन ना हाथों का भी, आप में से बहुत सारे लोग अच्छा खाना बना लेते हो, ठीक है, कोई भी ऐसी कला है आपके अंदर, ठीक है। और बट एक चीज है कि आप में से बहुत सारे लोग, शायद बहुत सारे नहीं, कुछ लोगों को मिसअंडरस्टूड किया जाता है, उनको लगता है कि यार ये थोड़ा सा ना स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलती है, जो चीज आती है ना साम वो बोल देती है, बट आप लोग दिल के साफ हो, ठीक है, मतलब आपको ना झूठ साझ करना नहीं आता, भोले वाले हो, ठीक है, इसलिए आप शायद कहीं ना कहीं फंस जाते हो, ओके, कहीं ना कहीं फंस जाते हो, स्पेशली लव रिलेशनशिप में, और इवन मैरिज में भी जो भी तकरार भी होती होगी, या वो इसी बात पे होती होगी। तो अगर बात करूं डियर, तो नेम फेम तो आपको इसी चीज से मिल सकता है कि आपके पास कोई ऐसी कला हो जो बोलना, संगीत, ठीक है, डांसिंग, एनीथिंग, और इवन आप में से कुछ लोगों की शायद थोड़ी सी नेगेटिव गॉसिपिंग होती है, लोग ना शायद आपके लिए कुछ ऐसा बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ऐसे बोलती है, स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलती है, ऐसा कुछ होता है, बट उन्हें पता नहीं है कि आप बिल्कुल प्योर हार्टेड हो, ओके। और अगर बात करूँ ना कि आपकी लाइफ में पैसा कितना लिखा है, तो देखो आपकी लाइफ में पैसा इतना लिखा है कि आप लोग अपनी लाइफ, जिंदगी आराम से बिता सकते हो। मतलब होता है ना कि क्योंकि आपके बहुत ज्यादा खर्चे हैं ही नहीं, इवन आपके बहुत ज्यादा आप अपने पैर उतने ही फैलाते हो जितनी चादर है, ठीक है, तो आपके खर्चे भी लिमिटेड है, तो आप जितना कमाते हो ना उतने में आपका गुजारा चल जाता है, तो यस, है ना। तो आपकी, अगर मैं पैसों की बात करूँ ना, आपकी लाइफ में कितना पैसा लिखा है, तो आपकी लाइफ में इतना पैसा लिखा है कि
आपकी जरूरतें हमेशा पूरी होती रहेंगी, और मतलब लाइक जब तक आप अननेसेसरी खर्चा ना करो तब तक। और इवन ना मतलब लाइक आप लोग सेव करते हो, भले ही आपके पास, हाँ यस, आप लोगों के पास भले ही कितना पैसा हो, ठीक है, भले ही आपकी सैलरी बाकी लोगों से कम हो, या आपके पास भले ही मतलब लाइक कुछ भी हो, ठीक है, बट आपके पास सेविंग, आपकी सेविंग या आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी, आपके मम्मी पापा या कोई भी ऐसी चीज ना, आपके पास वो चीज है। मतलब ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है, और इवन आपके पास बैंक में जो सेव पैसा रहता है ना, वो अच्छा है, ठीक है। और अगर बात करूं डियर आपकी लाइफ में पैसा जो है, पैसा कितना लिखा है ये तो मैंने बता दिया, ये कब आएगा, मतलब नेम फेम और पैसा ये सब कब आपकी लाइफ में आएगा। तो देखो डियर, पता है क्या, फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है आप में से कि इस ग्रुप के लोगों का के साथ क्या हो रहा है, कुछ इनके रिलेशनशिप में ना कुछ डिस्टरबेंस चल रहा है, ठीक है, सब लोगों के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए कुछ तो डिस्टरबेंस चल रहा है, चाहे वो मेन लव रिलेशनशिप में हुआ, चाहे मैरिड में हुआ, चाहे नॉर्मली लोगों से कुछ तो डिस्टरबेंस चल रहा है। और पता है क्या, और आप ना शायद मतलब लाइक यू आर, आप थोड़े से हर्ट हो, ठीक है, आप हर्ट हो बिकॉज ना पता है क्या, क्योंकि आपके दिल में ये चीज है कि आपने तो कुछ करा नहीं, ठीक है, यू आर अ ट्रू सोल, आप सच्चे हो, बट फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी आपके साथ सिचुएशन हो रही है, ठीक है, स्पेशली एनीथिंग, मतलब लाइक स्पेशली एनीथिंग, आप लोग अभी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फेस कर रहे हो जो आपने काम किया ही नहीं बट आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से ना आपका दिल जो है वो दुखी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, यार आई एम ट्रू, ओके। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपका लव रिलेशनशिप या मैरिज में ना थोड़े बहुत झगड़े हुए हों, या किसी से बातचीत करना बंद हो गई, और ओनली 1% लोगों के लिए हो सकता है कि 1%, ठीक है, सबके लिए नहीं, कि कुछ सेपरेशन वाली चीज चल रही हो, ये भी चीज हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं ना कि आपकी लाइफ में नेम फेम पैसा ये सब, तो फर्स्ट थिंग आपको तो अभी इन सब चीजों से मतलब नहीं है, आपको तो शांति से मतलब है, पीस से मतलब है, हैप्पीनेस से मतलब है, ठीक है, यू वांट हैप्पीनेस, ओके। तो जो भी चीज आप चाहते हो, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें एक्चुअली आपकी लाइफ में तब आएंगी जब आपका रियूनियन होगा। रियूनियन मतलब लाइक आपसे जो भी नाराज है, ठीक है, चाहे लव रिलेशनशिप में, चाहे हस्बैंड वाइफ, चाहे भाई बहन, चाहे कोई भी रिश्ते वाला या फ्रेंड फैमिली सर्कल में जो आपके दिल के करीब है, जो भी आपसे नाराज होके बैठा है, या कोई भी ऐसी चीज जो आपका बचपन का यार है, या आपको उसके साथ बहुत टाइम हो गया, आप में से कुछ लोगों के ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, किसी से भी जिससे भी आप नाराज हुए हो ना, वो चीज जब रीयूनियन हो जाएगा तब एक्चुअली डियर आपकी लाइफ में ना फिर से आपकी वाइब्रेशन जो है वो सही होंगी, और आपको दिल में ना हैप्पीनेस मिलेगी, और नेम फेम अगर आप चाहते हो तो नेम फेम भी मिल सकता है, बट एक हैप्पीनेस वाली जो चीज है ना वो चीज भी हो सकती है। और एक चीज ये कि आप में से जो लोग जो अनमैरिड हैं, ठीक है, जो अनमैरिड हैं, उनकी भी उनको नेम फेम और पैसा जो है वो शादी के बाद मिलेगा, और आप में से कुछ लोग जो अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, लैंड वो खरीदना चाहते हैं, उसके बाद आपको नेम फेम और पैसा मिल सकता है। मतलब सब चीजों में ना मुझे एक चीज यहां ये लग रही है, पता है क्या, कि आप लोग एक्चुअली अपना वर्थ जानते ही नहीं हो, यू डोंट नो क्या है ना। ये भी है कि आपके साथ शायद अब तक, मतलब कुछ टाइम पहले तक आपके साथ मिसट्रीट किया गया, मतलब लाइक आप जो हो ना आपको कम आका गया, मतलब लाइक लोगों को पता ही नहीं था कि आपके अंदर कितने टैलेंट्स हैं, या आपके अंदर ना लोग आपको बहुत ही कम, मतलब ऐसे बताऊं, लेस डिजर्विंग समझते थे, लोगों को लगता ही नहीं था कि यार आप कुछ करोगे या कुछ करोगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद कुछ किया हो, और है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना जो सोसाइटी या लोग, फैमिली फ्रेंड, वो थोड़े से ना सहम गए हो, या बैक सीट ले ली हो, कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है, ठीक है। सो यस, आप एक्चुअली ना अपने ओरिजिनल पावर में मुझे मुझे दिख
मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जब अपना ओरिजिनल पावर में आए हो, ठीक है, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा काम किया हो, जॉब लग गई हो, या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो, सेल्फ मेड हो गए हो, कोई भी ऐसी चीज, आप कोई स्पिरिचुअली काम करते हो, मेडिटेट करते हो, या कोई भी ऐसा काम जिससे आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, तो आपको नेम फेम तब मिलेगा तब जब एक्चुअली आपकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, या फिर आप ना लिटरली लाइक एंजल्स और यूनिवर्स के साथ आप कुछ काम करोगे और लोगों को हील करोगे. आप में से कुछ लोग, ठीक है, सारे लोग नहीं, कुछ लोग उनका कुछ ऐसा है कि उनका कुछ स्पिरिचुअली कुछ कहते हैं ना स्टेजेस जो होते हैं वो क्लियर होगी, या स्पिरिचुअली वो जब और ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे और जब लोगों की भी मदद करेंगे, लोगों को भी हेल्प करेंगे, लोगों को भी हील करेंगे, तब भी आपको नेम फेम और इवन पैसा भी मिलेगा. लोग ना आपके बारे में समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो. यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी स्ट्रांग माइंड, टफ माइंड, और कैसे बोलूं, ये चीज है, मतलब ना. और इवन ना मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग शायद बहुत सारे लोग कुछ ऐसे वर्क में, बहुत सारे मतलब कुछ लोग कुछ ऐसे वर्क में हैं जो न्यूट्रिशन में विश्वास रखते हैं, जो अच्छे खाना खाने में विश्वास रखते हैं. और इवन आप में से कुछ लोग ना शायद कोई ऐसी चीज करते हो जो एक होता है ना घर का फेस पैक लगाना, अच्छा दिखना, घरेलू उपायों से अच्छा दिखना, आप लोग होम रेमेडीज में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो. यस. अच्छा, अगर बात करूँ ना डियर, पता है क्या, आप लोग जो ना मतलब दिस ग्रुप, आप लोगों की सफरिंग्स ना मुझे इतनी ज्यादा दिख रही है. आप लोगों को पास्ट में भी बहुत ज्यादा, पास्ट कैसे बोलूं, पास्ट के 2-3 साल या पास्ट जो भी ना, आप लोगों की एनर्जी कुछ ऐसी है कि यार इसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, ये सारी चीजें आपके दिमाग में इतनी ज्यादा चल गई कि आपकी बॉडी पे भी नजर आया, ठीक है, आपके हेल्थ पे भी नजर आया. और इवन ना ये जो ट्रॉमा है, इस वाले ग्रुप का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा है जो एक्चुअली बहुत टाइम से चला रहा है, बहुत टाइम से, बहुत टाइम मतलब पता है कितना, ये जनरेशन नहीं, पिछले के पिछले पिछले जनरेशन, ओके. और आप वो जो ट्रॉमा है ना, वो ट्रॉमे का दर्द अभी भी अपनी इस लाइफ में भी सह रहे हो. वॉट एवर हैज हैपन टू यू, वो सिर्फ आप ही के साथ नहीं हुआ, वो आपके फैमिली मेंबर, आपके मतलब हो सकता है जैसे अगर आज आप अपने रिलेशनशिप में या कोई भी ऐसी चीज जिसमें इशू फेस कर रहे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके दादा दादी नाना नानी उनमें भी कुछ ऐसी चीजें रही हो, कुछ लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीजें ना, एनीथिंग, ठीक है, मतलब जो भी ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो ना, ये ट्रॉमा एक्चुअली डियर ये आपके पूर्वजों से आपको मिलता आ रहा है और पता नहीं कितने टाइम से, और वो ही चीज आप लोग फेस कर रहे हो. तो आप लोगों के लिए सच में एक ये एडवाइस है डियर, आप लोग इस चीज को पहचानो, है ना, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ऐसी है ना कि आप लोगों के लिए हर एक एक दिन ना ऐसा लगता है कि यार मतलब आपको नॉर्मल जो डेली का काम है ना वो भी इतना भारी लगता है ना, आपको लगता है कि यार आपको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही. ओके. एंड जस्ट बिकॉज, क्योंकि होता है ना कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ इमोशनल पेन होता है, या कोई रिलेशनशिप इशू होता है, या किसी ने आपको कुछ कह दिया होता है, या एनीथिंग, वो चीजें बार बार घूम रही होती है लाइफ में, है ना, तो वो ही चीज शायद आपके साथ है और वो एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा इसलिए डिस्टर्ब है. तो फर्स्ट थिंग, आपको हीलिंग की जरूरत है. अब मैं हीलिंग कैसे बोलूं कि हीलिंग कैसे होती है, हीलिंग करने के हजारों तरीके, आपको क्या चीज अच्छी लगती है वो चीज करो, भगवान की पूजा करना, मंत्र चैंट करना, परिवार वालों से मिलना, ठीक है, या कहीं घूमना जाना, ट्रैवल करना, कोई भी ऐसी चीज जो आपको हील करने में मदद करती है, उस चीज के लिए पहले आप अपनी प्रेफरेंस बनाओ, ठीक है. और एक चीज मैं आपको बोलूं डियर, पता है क्या, आपके ये जो भी प्रॉब्लम है ना, मुझे ये सब प्रॉब्लम्स कम होती भी दिख रही है, और इस पे मतलब रिजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है आने वाले आगे फ्यूचर में, स्पेशली रिलेशनशिप, शादी नहीं हो रही है, कोई भी ऐसी चीज ना, वो सब चीजें मुझे आगे आने वाले फ्यूचर में हील होते हुए दिख रही है. ओके. हाँ, एक चीज और है कि शायद आपको ना, आपको पढ़ना लिखना या कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, मतलब पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, यू किताबों में किताबें पढ़ना, और इवन आपका जो कुछ काम है ना वो बहुत ज्यादा, अगर आप जॉब में करते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं है, तब भी ना मतलब
एनीथिंग, कैसे बोलूं, होता है ना कितने बार ऐसे स्टफ्स होते हैं जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, आप लोग ऐसी चीजों से डील करते हो, आपका जो काम है ना वो ऐसी चीजों से डील करता है जो बाकी सब लोगों को लगता है कि यार ये बहुत हार्ड है, आप कैसे कर लेते हो, बट आप लोग मैनेज कर लेते हो, ठीक है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 पिगी बैंक वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी बैग चूज किया है, तो फर्स्ट थिंग पता है क्या है, आप लोगों को शायद ना स्टेशनरीज खरीदना बहुत अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ना, अच्छा पेन, अच्छी बुक्स, और मतलब आप कोई भी काम करते हो ना, हाँ, तो उससे पहले ना आप सब चीज प्रिपेयर करते हो अपने लिए। जैसे मान लो आप किचन में कुछ बनाने जा रहे हो, तो आपको ना मतलब किचन अच्छा चाहिए, किचन साफ सुथरा चाहिए, आपको पास सारे रिसोर्सेज होने चाहिए। यस, आपको अपनी लाइफ में ना कोई भी काम करने के लिए सारे रिसोर्सेज चाहिए, हालांकि वो सबको चाहिए, बट यू आर स्पेशल, आप लोग अपनी एक अलग छाप छोड़ते हो, ठीक है। कोई भी काम करते हो ना आप लोग एक अलग छाप छोड़ते हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई, कुकिंग, काम करना, जॉब, उसमें ना कैसे कहते हो, जैसे आप कुछ भी लिखते होंगे तो उसमें ना आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है, या आप कोई ड्राइंग, कोई भी ऐसी चीज करते हो ना उसमें बिल्कुल अलग यूनिक टाइप के आपके पास कोई गिफ्ट है, ओके, क्रिएटिव गिफ्ट। और पता है क्या, ये जो ग्रुप है ना, ये जो थर्ड ग्रुप है, ये एक्चुअली इन लोगों की लाइफ जो है वो बहुत सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं, मुझे लोटस याद आ रहा है, ठीक है। लोटस, लोटस कैसे होता है ना, जो कीचड़ में उगता है बट फिर भी वो लोटस कितना खूबसूरत होता है। आप लोग भी शायद मतलब आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसा पास्ट कहूँ या ऐसे ट्रॉमा, जो ऐसी चीजें जो है ना जो जो अच्छी नहीं है, जो मतलब ना, बट आपने फिर भी उन सब से डील करके आप निखर रहे हो, यू आर ग्लोइंग, ग्लोइंग मतलब आप लोगों ने उन सारी जो गंदगी होती है ना, सारी गंदगी से ना अपने आप को निकालना सीख लिया है, ठीक है। और एक चीज है, आप लोगों को ना 8th और 12th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। 8th हाउस होता है हिडन, है ना, सीक्रेट्स, और इवन बर्थ, रीबर्थ, है ना। और इवन आप लोगों को जो नेम फेम मिलता है, पता है नेम फेम कैसे मिलता है, एकदम अचानक, आपने ना सोचा भी नहीं होगा आपकी आपकी लाइफ में कि यहां से आपको कुछ अच्छा नेम फेम मिल सकता है, यहां से आपके लोग तारीफ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ नेम फेम ही मिलता है, आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं जहां पे लोग आपको बहुत ही मतलब ना लोग आपको बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। ये आप जो लोग हो ना, आप लोगों के पास सिर्फ फेम ही नहीं आता, नेम फेम ही नहीं आता, आप लोगों के पास डी फेम भी आता है। कुछ लोग अननेसेसरी ना वो आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ड्यू टू एनी हाउ सम हाउ रीजन कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे ना आप लोगों के पास बदनामी ना वो भी आती है, ठीक है। सिर्फ फेम नहीं आता, बट आप उन सब चीजों से भी डील करना सीख रहे हो, आप सब उन सब चीजों से भी डील करना सीख रहे हो। पता है क्यों? बिकॉज यू आर वेरी हम्बल बाय हार्ट, आप बहुत हम्बल हो, है ना, आपके आपके पास घमंड जो है ना बहुत, आपके अंदर घमंड बहुत कम है। और एक चीज और है, आपको पैसा बहुत अच्छा है आपके पास, आपका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हाउसवाइफ हो या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके मम्मी पापा के पास बहुत अच्छा पैसा है, आप जॉब करते हो तो मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अच्छी दिख रही है। बट व्हाट इज हैपनिंग ना, आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं बहुत ही अप एंड डाउन वाले, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट जो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सा आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट है, ऐसे सीक्रेट जो शायद ना आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, किसी को बोल नहीं पाते हो, बट उन सीक्रेट की वजह से ना आप दिल में कहीं ना कहीं आपके दिल में ना आप अपने आप को पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि यार मतलब मेरी लाइफ में ये चीज हुई थी, मेरी लाइफ में वो हुआ था। वो गिल्ट होता ना कितनी बार, उस गिल्ट से भी हम उभर नहीं पाते। तो आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं, स्पेशली सेक्सुअल बोलो या मतलब एनीथिंग जो ना, जो आपको ना वो लगता है कि यार मेरे साथ ये चीज हुई पास्ट में ना और मैं इस चीज से निकल नहीं पा रही हूं,
ये चीज भी हो रही है, ठीक है। और बट इसमें ना आपकी गलती नहीं है, बिकॉज पता है क्या, दिस ग्रुप, ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप एक्चुअली इस ग्रुप के साथ बहुत चीजें होती है। इन्होंने ब्लैक भी देखा है, इन्होंने व्हाइट भी देखा है, इन्होंने बहुत अच्छा फेम भी देखा है तो इन्होंने डिफेम भी देखा है, इन्होंने बहुत ज्यादा प्यार भी देखा है तो इन्होंने नफरत भी देखी है, एवरीथिंग ही दे हैव सीन, ओके। और इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और अगर मैं बात करूं ना कि आपके पास नेम, फेम और पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, तो देखो डियर, पता है क्या, आपके पास कोई कमी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी थर्ड ग्रुप है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोगों का है। मतलब लाइक आप लोग बहुत सुंदर दिखते हो, आप लोग बहुत सुंदर दिखते हो, ये आपकी ना बॉडी वाइज में बोलूं आपको, बहुत सुंदर हो आप, आपकी आईज बहुत सुंदर है, आपकी आईज सुंदर है, एंड यू आर वेरी सेक्सुअली अट्रैक्टिव, ओके। बट वन थिंग आपके साथ ये चीज है कि आपके ना आपकी दो पर्सनालिटी है, ठीक है। दो पर्सनालिटी मतलब कैसे, कि एक इंटरनल पर्सनालिटी है जो बहुत सेंसिटिव है, जो लोगों की बातों से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और इवन ना मतलब लाइक मुझे मेंटल और इमोशनल बोलो ना मैं, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। प्रॉब्लम कैसे, मतलब लाइक आप लोगों की लाइफ, आप लोगों को अपने आप को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, बिकॉज ना आपका इंटरनल जो इमोशनल बॉडी है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यू कैन कैच एवरीबडीज इमोशन, एंड जिसकी वजह से आप सैड, सीक्रेट, फियर, है ना, कोई अननोन भय, वो सारी जो चीजें ना डियर, ये सब चीजें भी आपको सताती है, ठीक है। तो इन सब चीजों से डील करना पड़ेगा। मतलब लाइक आप लोगों को अपनी लाइफ में नेम, फेम जो है ना, वो तब मिलेगा जब एक्चुअली आप अपनी मेंटल, इमोशनल बॉडी को सेफ रखोगे, प्रोटेक्टेड रखोगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि क्लोज रखोगे, बट प्रोटेक्टेड, है ना, वेरी प्रोटेक्टेड। और उसके बाद ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में किस्मत ना अचानक वो देती है, लाइक आपने कभी सोचा भी नहीं होता, आपके साथ वो इंसिडेंट हो जाते हैं, वो इवेंट्स हो जाते हैं, कभी अच्छे होते हैं और कभी बुरे होते हैं, है ना, दोनों चीजें होती है, ब्लैक एंड व्हाइट, यस। और आप लोग जब अपना वर्क, करियर, पढ़ाई, करियर, इन सब चीजों, ऑफिस, या आप हाउसवाइफ हो तो नॉर्मल आपकी लाइफ वो, और आपकी मेंटल और इमोशनल बॉडी, इन दोनों चीजों में आप जब बैलेंस रखना सीख जाओगे ना, तब एक्चुअली आपको नेम, फेम और सक्सेस और ज्यादा मिलेगा। आप जो भी, आपका जो भी काम है, वट एवर वर्क यू हैव, आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो, एनीथिंग लाइक कोई भी बिल्डर वाला काम तो वन ऑप्शन है, बट कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप काम करते हो, पता है आपके लिए ना ये जस्टिस वाला जो कार्ड ना, ये 2-3-4 बार गिरा, एंड जस्टिस इज लाइक ना, मतलब लाइक जस्टिस इज तराजू, तराजू एंड बैलेंसिंग। जब आप लोग अपने ना इन और आउट को बैलेंस करोगे तब, और इवन आप लोगों के साथ ना, पता है ऐसा चीजें होती है कि समबडी स्ट्रिक्ट, कोई एक स्ट्रिक्ट, जैसे कहते हैं ना, हर इंसान के साथ ईश्वरीय शक्ति चलती है, तो आपके साथ ना कोई ऐसी शक्ति चलती है जो आपको ना हर वक्त प्रोटेक्ट भी करती है और बहुत स्ट्रिक्ट हो, मतलब लाइक बहुत स्ट्रिक्ट है आपको लेके। जैसे मान लो अगर आप ना बिल्कुल उस लोअर इमोशनल, लोअर वाइब्रेशन में जाते हो, जैसे जो एनिमल इंस्टिंक्ट होता है ना, सिर्फ सेक्स करना, खाना पीना और सोना, वो चीज नहीं चाहती है आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके लिए स्पिरिट गाइड्स आपके लिए चाहते हैं कि आप अपनी इमोशनल बॉडी को चैनल करना सीखो और आगे बढ़ो, ऊपर जाओ, मतलब लाइक ये चीज है, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप लोअर चक्रास में से डील करते हो ना, तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आप हायर चक्रास में जाओ, ओके। आप पता है सब चीजें ना आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपनी लाइफ में क्या डिसीजन बनाते हो, लाइक यू वॉन्ट टू गो हायर और यू वॉन्ट टू गो लोअर, ओके। कितनी बार हमारी एनर्जी नहीं होती कि हम उस हायर में जा सके, सो बट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो सी, है ना, अगर आप, और मुझे यहां ऐसा लग रहा है कि यस, समबडी इज प्रोटेक्टिंग यू, समबडी इज हेल्पिंग यू, हीलिंग यू,
इमोशनली और एनीथिंग स्पिरिचुअली, और इवन आप लोग भी ना शायद अगर स्पिरिचुअल में या अकल्ट साइंस में, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इन सब चीजों में आपका विश्वास है ना, तो ये सब चीजें अगर आप करते भी हो ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज आप लोगों का एट्थ, मैंने वापस कह रही हूँ, एट्थ एंड ट्वेल्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, बहुत एक्टिव स्कॉर्पियो, और इवन आप में से कुछ लोग एक्वेरियस हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, और इवन आपका इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रांग है. ओके, एक चीज और, आप लोगों को नेम फेम जो है ना वो तब मिलेगा जब एक्चुअली जो आपका स्पिरिचुअली आप जो काम कर रहे हो या एनीथिंग लाइक ना, आप कुछ स्पिरिचुअली कुछ किताब पढ़ रहे हो, कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, कोई चालीसा पढ़ रहे हो, कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो, ठीक है, वो चीज करते करते ना आप लोग एक अच्छे लेवल पे जाओगे. ठीक है, मतलब मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ना ये अलग चीज है, ये रीडिंग ही अलग है. नेम फेम पैसा है आपके, पर ये रीडिंग आपके लिए बहुत अलग है, डिफरेंट है. आप लोगों को एक्चुअली लेसन दिया जा रहा है यहाँ पे ना, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स है ना, ईश्वर आपको एक लेसन देना चाह रहे हैं कि डियर आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो हो और ग्रो हो और ग्रो हो. ठीक है, और जो भी जो एट्थ और ट्वेल्थ हाउस होता है ना वो तंत्र विद्या का भी होता है, मंत्र विद्या का भी होता है, और हायर अकल्ट साइंस और कुंडलिनी शक्ति, उन सब चीजों का भी होता है. तो अगर आपका इन सब चीजों में इंटरेस्ट है ना, तो यस, आपका, आप में से बहुत सारे लोगों का इन सब चीजों में भी इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि आपका, आप उन सब चीजों में जाओ, उसकी वजह से आप फेमस हो. मतलब आप लोगों के लिए ना यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि जस्ट डिसाइड, आप डिसाइड करो अपनी लाइफ में, एक डिसीजन लो कि आपको कहाँ जाना है, वेयर यू वॉन्ट टू गो. देखो डियर, पता है क्या, आप लोगों के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ कि आपका फ्रीडम, आपकी इंडिपेंडेंस, और इवन ना आप उसे बहुत अलग नजरिए से देखते थे. मतलब लाइक आपके दिमाग में ना जो पहले जो गोल थे, जो पहले लक्ष्य थे, वो अभी नहीं है. ठीक है, पहले आप कुछ और चीजें सोचते थे, पैसों को लेके, फ्रीडम को लेके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके, बट अभी आप, यू हैव चेंज्ड, यू हैव टोटली चेंज्ड. आपके दिमाग में पहले बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, पैसा वैसा सब लोगों के दिमाग में होता है, वो जो होते हैं ना छह नेगेटिव क्वालिटीज, छह षड्रिपु, वो होती है. ठीक है, बट इवन ना फिर भी आपकी सोल पावर जो है ना, आत्मा शक्ति, वो कहीं ना कहीं निकलने को बेचैन थी, बट क्योंकि आप कहीं ना कहीं सब चीजों में फंसे हुए थे, है ना, ग्रीड जो भी होता है ना, सारी जो चीजें होती है, नेगेटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, जिसकी वजह से जो आपकी इनर सोल थी ना वो कहीं ना कहीं पूरी दिख नहीं पाई, पूरी खुल नहीं पाई. ये भी हो सकता है कि आपको पास्ट में आपने आपका लाइफ पर्पस फॉलो नहीं करके कुछ और काम कर रहे थे, बट अब अभी आप एक्चुअली सरेंडर कर चुके हो. ठीक है, सब कुछ आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है और आपकी हीलिंग हो रही है. बहुत अच्छी चीज ये है कि आपकी हीलिंग हो रही है, यू आर हीलिंग इंटरनली फ्रॉम सोल लेवल. ओके, बिकॉज आप कुछ कुछ सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, कोई तपस्या कर रहे हो या कोई भी ऐसी चीज है ना, बट यस, यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू, वो आपको हेल्प कर रहे हैं. और पता है क्या, आपका फ्यूचर भी ऐसे ही होने वाला है, आपका फ्यूचर भी आप लोग मेहनत करने वाले हो. ठीक है, ऐसी मेहनत नहीं जो बहुत थकाने वाली हो, बट वैसी मेहनत जो रियल लाइफ पर्पस होता है. आप लोग अपना रियल लाइफ पर्पस फॉलो करोगे, मतलब मैं ये नहीं कहती कि यार है ना पैसा कमाने के लिए बहुत हाई फाई चीजें होंगी, बहुत हाई फाई जिंदगी जियोगे, ये नहीं, बट जो चीज आपके लिए जरूरी है सोल लेसन लर्न करने के लिए ना, जो चीज आपके लिए जरूरी है वो चीज आप करोगे, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों ना हुआ, वो चीज आप करोगे, आप मेहनत करोगे और उस मेहनत से आप पीछे नहीं भागोगे. और एक चीज और है डियर, पता है क्या, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि आप प्लीज, हालांकि ये वीडियो नेम फेम और पैसे की बात थी, बट यहाँ पे ना आपके लिए बहुत ही अलग मैसेज निकल के आ रहा है. ये मैसेज निकल के आ रहा है, हैव टोटल रेस्ट, आप अपनी बॉडी का ख्याल रखो. ठीक है, जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे उतना ज्यादा शायद आपकी हीलिंग अच्छी होगी. ठीक है, रेस्ट करो, रिजुविनेट करो, अच्छा फूड खाओ. और वन थिंग, मैंने कहा था ना आप लोगों का शायद कुछ यूनिवर्स के साथ अलग कनेक्शन है, तो अगर आप कोई भक्ति करते हो, अगर आप किसी ईश्वर की भक्ति मार्ग पे हो, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है. और अगर नहीं हो तो स्टार्ट दैट, कोई भी पूजा, कोई भक्ति या कोई भी ऐसी आराधना, वो आप स्टार्ट कर दो. और दूसरी चीज ये, थोड़ा टाइम और बस, बहुत जल्दी आप लोग जो है ना दुनिया के सामने निकलने वाले, दुनिया के सामने ना आपका फेस दिखने वाला है. फेस मतलब लाइक
दुनिया के सामने आपकी ओरिजिनल शाइन करने वाले हो, ठीक है? थोड़ा टाइम और, बिकॉज आप लोगों का कोई प्रोसेस चल रहा है, और इस प्रोसेस में आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, और उसके बाद पूरी दुनिया को आपको कुछ लेसन सिखाना है, ठीक है? आपके लेसन, आपके एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ना इस लाइफ में अलग रोल मिला है। आई होप आप वो रोल फॉलो करो। ओके सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 3 बैग वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ ये रीडिंग मैच करे, और अगर मैच करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।